कि एक बहुत अच्छे कंपनी में काम करता है, इलेक्ट्रीशियन है। कि डोमेस्टिक वर्कर में महीने में कितनी छुट्टी मिलती है या फिर कंपनी वर्कर में महीने में कितनी छुट्टी मिलती है। सबसे सऊदी अरब में एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि जो नए ड्राइवर लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि हाउस ड्राइवर में महीने में कितनी छुट्टी मिलती है या फिर हफ्ते में कितनी छुट्टी मिलती है। जिस तरह कंपनी में हफ्ते हफ्ते में छुट्टी रहती है, उस तरह क्या हाउस ड्राइवर में भी उनको छुट्टी मिलती है या फिर नहीं। आज छुट्टी तो मिली है हाउस ड्राइवर में, तो ये रही अपनी धन्नो रानी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रियाद में हैं तो मैं खुद आऊंगा आपका स्टोरी कवर करने के लिए, या फिर आप रियाद के बाहर किसी और देश में हैं तो भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बातें अपने चैनल के जरिए लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। और अभी मैं आ गया हूँ मीट मार्केट में, तो मैं आप सबको थोड़ा मीट का शॉप दिखाता हूँ। पूरा एरिया ही मीट का है, समझ लो। ये एरिया में जितना भी शॉप आपको दिख रहा है ये सब मीट का शॉप है। सब देख सकते हैं, सारे हिंदी और बंगाली, यही इन्होंने शॉप खोल के रखा है। सब एक लाइन से देख सकते, सारे शॉप जो है वो मीट का है। तो मैं एक जगह पर आ गया हूँ जो कि मीट खरीदने। यहाँ का प्राइस है 28 रियाल 30 रियाल, वो भी लोकल बकरी। ये जो दिख रहा है इसका प्राइस है 28 से 30 रियाल। ये मोहल्ला सिर्फ सऊदी लोग आते हैं घूमने के लिए, जब उन्हें घूमने का रहता है। इसे सऊदी अरब में इस तरह भी बोलते हैं। ये बिल्डिंग कंपनी वालों का है, सारे कंपनी में काम करने वाले इसी बिल्डिंग में रहते हैं। अभी मोहम्मद साहिद अली ड्राइविंग कर रहा है। देखो, मैंने इसको अभी ड्राइविंग सिखा दिया। नया ड्राइवर नहीं है, पुराना है। जब भी गाड़ी मिलता है हाथ साफ करते रहता है। इसको कितना बार बोला कि एक गाड़ी ले लो, कंपनी में है, बड़े आसानी से गाड़ी लेके यूज कर सकता है। मैं इसी के पास में आया था घूमने के लिए छुट्टी लेकर, और ये मेरे मामा का लड़का है जो कि एक बहुत अच्छे कंपनी में काम करता है, इलेक्ट्रीशियन है। तो आप लोग पूरी डिटेल चाहते हैं इसके बारे में और जानना चाहते हैं किस कंपनी में काम करता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो फिर मैं पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बना दूंगा। वैसे इलेक्ट्रीशियन है जो कि बहुत अच्छे कंपनी में काम करता है, और इसी के पास मैं छुट्टी लेकर आया हूँ घूमने के लिए। नाम बताएं। मोहम्मद साहिद अली। मोहम्मद साहिद अली। तो हम लोग अभी खाना पीना खाकर अभी आए हैं थोड़ा घूमने के लिए, और ये एरिया बिल्कुल खाली एरिया है और पहाड़ी एरिया है, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, अभी जा रहे हैं रूम पे, इसको रूम पे छोड़ूंगा, उसके बाद में फिर निकलूंगा रूम के लिए। तो फाइनली मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। मैं 2:30 बजे के आसपास रूम पे पहुंच गया, और अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं, तो ड्यूटी भी ऑलरेडी लग गया। तो मैं कपड़ा वपड़ा चेंज किया, थोड़ा बैठ आराम किया रूम पे, उसके बाद ड्यूटी लग गया। अभी मैं आ गया हूँ साको मार्केट में बोर्ड खरीदने के लिए। तो अब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर में महीने में कितनी छुट्टी मिलती है या फिर कंपनी वर्कर में महीने में कितनी छुट्टी मिलती है। सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर की बात कर लेते हैं, चाहे आप हाउस ड्राइवर का काम कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं घर खाते में, जैसे डोमेस्टिक वर्कर हो गया, तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, आपको कुछ ज़रूरी है, किसी से मिलना या फिर कुछ ख़रीदना या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, तो आप महीने दो महीने में एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। वो भी किस तरह से छुट्टी मिलेगी आपको बताना पड़ेगा, मैं इतने टाइम जाऊंगा और इतने टाइम तक वापस आ जाऊंगा। जैसे आप 8 से 9 बजे निकलोगे तो आपको बोलेगा आपका कपिल जो रहेगा कि 2 से 3 बजे तक वापस आ जाओगे, और 9 से 10 बजे तक जाओगे तो भी वही 4 से 5 बजे के अंदर अंदर आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में आपका ड्यूटी लगना कन्फर्म है 100%। जो भी डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, चाहे ड्राइवर में चाहे किसी और काम में, उनसे आप ये बातें पूछ सकते हैं, 100% सच है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की। तो कंपनी में जो जितने भी कंपनी है, जितने लोग काम करते हैं, 100% समझ लीजिए फ्राइडे के दिन छुट्टी रहता है। जैसे
जुमा के दिन, और किसी किसी कंपनी में किसी किसी को जुमा का नहीं मिलता है छुट्टी, तो वो शनिवार को छुट्टी लगा देते हैं, क्योंकि अगर जो काम ज़्यादा रहता तो जुमा को बंद कर देते हैं, शनिवार को उसके बदले छुट्टी मिल जाता है, या फिर काम आगे पीछे होने की वजह से ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन छुट्टी 100% हफ्ते में तो मिलता ही मिलता है। और अगर जो आपसे जुमा के दिन कंपनी में काम कराया जाएगा तो वो समझ लीजिए कि आपका पैसा अलग से बनेगा, उसको आप ओवर टाइम पार्ट टाइम कह सकते हैं, और वो पैसा आपके सैलरी में जोड़कर मिलेगा, महीने जब आपका सैलरी मिलेगा तो वो ओवर टाइम भी कह सकते हैं। तो काफ़ी जगह और काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में इस तरह से होता है, जो लोग जुमा को काम करते हैं जिस कंपनी में काम रहता है ज़्यादा उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो ऐसा नहीं है, कंपनी में हमेशा समझ लीजिए जुमा के दिन फ्राइडे के दिन छुट्टी ही रहता ही रहता है, और डोमेस्टिक वर्कर में कोई छुट्टी नहीं है, आपको ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं छुट्टी, जैसे हर हफ्ते में आपको नहीं मिलेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा महीने दो महीने में आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप एक दिन की छुट्टी, एक दिन की क्या बोलोगे, 4 से 6 घंटे के लिए आपको छुट्टी मिलता है, और यही है सच्चाई। आप कोई लंबी लंबी बात करें कि नहीं मैं हर महीने में छुट्टी दो छुट्टी लेता हूँ, मतलब कोई झूठ बात करे उसकी बात अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वही सब मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो मेरी छुट्टी तो ऑलरेडी 5 घंटे के आसपास थी, ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और ड्यूटी पे भी आ गया हूँ ऑलरेडी, समझ लीजिए मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह फिर किसी नए वीडियो में।